evening, everyone. I hope I'm properly audible and visible to all of you. तो भाई काफी दिनों बाद YouTube का कोई सेशन दे रहा हूं मैं, और एक चीज जो कंटिन्यूअसली इधर बीच आ रही थी, नए वाले जो क्रिमिनल लॉज हैं, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट भी होने हैं 1 जुलाई से, डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इसकी अनाउंस कर दी गई थी, 1 जुलाई से ये इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो अब ऑब्वियसली इनको पढ़ना तो है ही हमें, है ना, इन लॉज को पढ़ना तो है ही सभी को। तो काफी दिन से ये आ रहा था कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो उसी चीज के उन्हीं उसी न्यू क्रिमिनल लॉज और ओल्ड से रिलेटेड जो कुछ क्वेरीज हैं आपकी, उन्हीं को बेसिकली एड्रेस करना पर्पज है आज के इस सेशन का। राहुल कह रहे हैं सर आप सारे पढ़ाओगे क्या? अरे रुक जाओ, बस समय दीजिए राहुल, बता रहा हूँ क्या करने वाले हैं क्या नहीं, सब बताऊंगा। पहले ये समझिए कि उसको पढ़ना कैसे, सीधे इस पे मत कूदिए कि कौन पढ़ाएगा और क्या, थोड़ा ये समझिए कि उसको किस नजर से पढ़ना है, वो बस ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये बात तो निश्चित है कि भाई हाँ थोड़ी सी समस्या हो रही है, जिन लोगों ने पुराने भी पढ़ रखे हैं या पढ़ने की कोशिश की है, और फिर नए भी आ गए हैं वो भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा जो सामंजस्य बिठाना है दोनों में, उसमें समस्या तो आ रही है। और रिसेंटली आपने, अगर आप एलेक के सभी प्लेटफॉर्म्स पे हैं, इससे रिलेटेड एक मीम भी आपने देखा होगा कि दोनों लॉज पढ़ने में समस्या आ रही है। अगर नहीं देखा है तो एक नजर मार लीजिए। एक आदमी बोलेगा लुक लेफ्ट लुक राइट लुक लेफ्ट लुक राइट सेंटर सेंटर, और मेरा सर में इतना स्ट्रेस हो रहा है कि मैं लेफ्ट देख रहे सेंटर देख रहे राइट देख रहे राइट देखेगा कोई बोलेगा सेंटर देखो, और मेरा सर फट रहा है, और मैं सोचे मुझे सिर्फ सब लोग को खुश रखने के। एक आदमी बोलेगा लुक लेफ्ट लुक राइट लुक लेफ्ट लुक राइट सेंटर सेंटर, और मेरा सर में इतना स्ट्रेस हो रहा है कि मैं लेफ्ट देख रहे सेंटर देख रहे राइट देख रहे राइट देखेगा कोई बोलेगा सेंटर देखो, और मेरा सर फट रहा है, और मैं सोचे मुझे सिर्फ सब लोग को खुश रखने के। एक आदमी को अगर आप देख और सुन पाए हैं, भाई साहब हैं जिस तरीके से परेशान हैं, वैसे ही एस्पिरेंट्स परेशान हैं दोनों लॉज के उस कंपैरिजन को लेके कि कौन सा किस नजर से और कैसे पढ़ा जाए। अच्छा अभी रिसेंटली इसी इसी शायद मीम पे मैंने कमेंट देखा था एक्सपेरिमेंट का, He said कि I desperately want to know कि ये बनाता कौन है। अभी विधिक ने भी वही चीज कही, सर ये आप बनाते हैं, सवाल है ये तो। विधिक थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन टू मी, एटलीस्ट आपने ये भरोसा जताया मेरे ऊपर कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि ये मैं बनाता हूँ क्या। अच्छा इस ओरिजिनल मीम पे जो ये है यूट्यूब के शॉर्ट्स में, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि आई डेस्परेटली वॉन्ट टू नो कि ये सोचता कौन है, और उसमें आगे उसने ये लिखा है कि नितेश सर तो नहीं सोचते बनाते होंगे, नहीं सोचते। दिल पे लगी ये बात मुझे, आपने इतना अंडर एस्टिमेट कैसे कर दिया भाई, मुझे नहीं कर सकता ऐसा कुछ। और ये वाली बेइज्जती मैं कुछ दिनों से सह रहा हूँ, पिछले दिनों से ना मेरी रेगुलर ये बेइज्जती की जा रही है रिलेटेड। तो उस पे भी एक स्टूडेंट ने लिख दिया था कि ये नितेश सर तो नहीं सोचते होंगे। और अभी फाउंडेशन बैच में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप सब जानते हैं सेक्शन 27 आता है, सेक्शन 27 प्रोहिबिट करता है अग्रीमेंट्स को जो रिस्ट्रेन करते हैं ट्रेड प्रोफेशन बिजनेस, किसी भी व्यक्ति को काम करने से रोकते हैं, ऐसे अग्रीमेंट्स को वॉइड डिक्लेयर करता है सेक्शन 27। उसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि आप प्रोहिबिट कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट से, जैसे ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस कि आप अगर एक कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो आप किसी कॉम्पिटिटर के साथ काम नहीं करेंगे। उसमें एक क्लॉज ये भी होता है कि आप वो काम छोड़ने के बाद भी एक रीजनेबल टाइम तक सेम नेचर का वर्क नहीं करेंगे। ये बात मैं फाउंडेशन क्लास के स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस कर रहा था, उसमें मैंने अपना ही एग्जांपल लिया कि मान लीजिए मैं एक किसी एजुकेशन एडटेक प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने जाता हूँ जुडिशरी, और उसमें मेरा अगर ये अग्रीमेंट में क्लॉज रहता है कि आई कैन नॉट टीच ऑन एनी अदर प्लेटफॉर्म, और ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होने के बाद भी एक रीजनेबल समय तक मैं कुछ किसी और प्लेटफॉर्म पे पढ़ाऊंगा नहीं, तो इस पे कुछ स्टूडेंट्स हैं फाउंडेशन के, उनका भी ये कहना था कि सर अगर मुझे मुझे पॉइंट आउट करते हुए, सर अगर मान लीजिए कि उस व्यक्ति के पास वही टैलेंट हो तो फिर क्या करेंगे।
ये भी एक बहुत ही इनडायरेक्ट टाइप की बेइज्जती थी मेरी, कि मुझे पढ़ाने के अलावा कुछ और आता नहीं। मैं आपको बताना चाह रहा था कि पढ़ाना तो मेरा एक साइड बिजनेस टाइप का है, कि मैं पढ़ा लेता हूँ, बाकी मैं और भी बहुत सारी चीजों के लिए सक्षम हूँ। आपने बहुत अच्छे से इस चीज के लिए मुझे इज्जत किया है पिछले कुछ समय में। मुझे लगता है ये वही बदला आप निकाल रहे हैं जो मैं आपको पढ़ाते समय रियलाइज कराता हूँ कि आपने कॉलेज कुछ नहीं पढ़ा है। खैर ठीक है, टिट फॉर टैट तो होता ही आया है इस दुनिया। आपके उन चीजों को भी मैं देख रहा हूँ, इन पॉइंट्स को मैं नहीं बना सकता। अच्छा ये भी बता दूं कि इनका, क्योंकि ऑब्वियसली मैं तो नहीं हूँ ये, और ये जो बनाए जाते हैं इसके पीछे सोच होती है वो मेजरली होती है पूजा मंडन की। आई होप नो दैट शी इज माई वाइफ एंड शी वन हु हेड्स दिस ऑर्गेनाइजेशन, वो ही ये सोचते हैं। बट इस वाले पर्टिकुलर मीम में जब ये टीम के पास जा रहा था बनने के लिए, वो किसी और कंटेक्स्ट में बनाया जा रहा था, किसी और चीज को लेके वो बनाया जा रहा था। एंड दैट वाज माय आइडिया, दैट वाज माय आइडिया कि इसको बीएनएस और आईपीसी आरपीसी नए ओल्ड लॉ से कनेक्ट करके बनाया जाए, क्योंकि मैं एक्चुअली पढ़ने की कोशिश कर रहा था दोनों को मैच करके, और भाई साहब की तरह ही मेरी हालत थी कि वाला सेक्शन देखें ये देखें समझ नहीं आ रहा था। आई कुड रिलेट, और ये आइडिया मेरा ही था। तो आप लोग इतने आराम से मुझे अंडर एस्टिमेट मत करिए मेरी इस काबिलियत को, है ना। चलिए अच्छा वो कमेंट भी पटसला नहीं कहता, हाँ वही वही। चलिए खैर, समस्या तो हो रही है, दैट पॉइंट इज दैट की प्रॉब्लम हो रही है समझने और पढ़ने में। तो आज का जो सेशन हमने रखा है इट इज मेजरली कन्फाइंड टू कि इस समस्या का समाधान करें कैसे, क्या पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, किस नजर से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। दिस इज द मेजर कंसर्न ऑफ टूडेज लाइफ। तो सबसे पहले तो एक चीज, ये भी क्वेरी मुझे बहुत सारे स्टूडेंट से मिल रही है कि किसके लिए इंपॉर्टेंट है ये नए वाले लॉज, किनको पढ़ना है। जुडिशरी एस्पिरेंट्स की तो अपनी समस्या है ही कि हमको ये वाला देना है या अगला देना है, वो सब समस्याएं तो चल ही रहे हैं। इसके अलावा बाकी जो लोग हैं लॉ से जुड़े, कोई लिटिगेशन कर रहा है को, या कोई जुडिशरी की तैयारी नहीं कर रहा, उसके अपने डाउट्स हैं कि भाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं, और है भी तो कैसे पढ़े ये सारी चीजें। तो सबसे पहले मैं इसी सवाल को एड्रेस करता हूँ, दैट हु शुड स्टडी न्यू क्रिमिनल लॉज, किसको पढ़ना है नए क्रिमिनल लॉज। तो इसका जवाब सबसे पहला जो बहुत ऑब्वियस है, जुडिशरी एस्पिरेंट्स को तो पढ़ना ही है, क्योंकि आई गेस जो मुझे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर जुडिशरी एस्पिरेंट्स। तो भाई आपको तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि अब जो एग्जाम्स आप देंगे उनमें इसका वेटेज रहेगा। अभी आगे बात करते हैं वो किस तरीके से पूछे जा सकते हैं और किस नजर से पढ़ना है, वो एक डिफरेंट क्वेश्चन होगा। इसके अलावा जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं उनको भी पढ़ना है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आगे इन्हीं पे काम होना है। या आप सिर्फ एक लॉ स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के अब आपको ये लॉज ही काम आने वाले हैं। और क्या इसका मतलब ये है कि पुराने नहीं आएंगे, उस पे भी अभी आते हैं। एक बात ये समझिए कि आप सब के लिए, चाहे आप जुडिशरी एस्पिरेंट हो, चाहे आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो, या आप मेरे लिए एक लॉ स्टूडेंट हैं जो अभी लॉ परस्यू कर रहे हैं या कर चुके हैं, आप सबके लिए ये नए लॉज को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस इंपॉर्टेंस को आप समझते हैं, इसीलिए शायद आप इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए एक जो सबसे प्रोमिनेंट क्वेश्चन इधर पे अराइज हो रहा है वो है ये कि क्या हमें पुराने लॉज की अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पुराने लॉज को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, चाहे वो अपनी जुडिशरी की तैयारी के लिए हो, कॉलेज टाइम में हो, या अदरवाइज हो, तो उनको पढ़ना है तो उनके लिए तो ये सवाल नहीं है कि क्या पुराने की पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अच्छा कुछ बच्चे इस बात से परेशान भी हैं कि सर हमने तो पुराने वाले प्रोविजन याद कर लिए हैं, हमको तो पुराना कॉन्सेप्ट पता है, हमने तो पुराने केस लॉस पढ़े हैं, तो अब उसका क्या होगा। और कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट हैं जिन्होंने शायद पुराने लॉस को भी बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है, जो कॉलेज स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के जो बच्चे हैं जिनके सिलेबस में शायद नहीं आया है, आया भी है तो आपने अभी उसको उस नजर से पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है कॉन्सेप्चुअली। तो आप अगर सीधे नए लॉस पे स्विच करेंगे तो क्या आपके लिए भी पुराने लॉस की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज अ बिग येस, आपको पुराने लॉज पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी या समझ होनी जरूरी है। देखिए एक बात समझिए, जब भी कोई अमेंडमेंट, यहाँ तो ठीक है रिप्लेस किया गया है, और अभी आगे हम बात करेंगे सेशन में कि क्या आज किस तरीके के मेजर चेंजेस हैं, तो आप देखेंगे स्ट्रक्चरल चेंजेस ज्यादा हैं रादर देन कॉन्सेप्चुअल, वो भी हैं बट लिमिटेड है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चरल चेंजेस ज्यादा है। तो
तो जो पुराने लॉज थे वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि आप कोई अमेंडमेंट भी पढ़ते हैं ना किसी स्टैट्यूट में, तो हम ये जरूर देखते हैं कि उस अमेंडमेंट की जरूरत क्यों है। और जरूरत क्यों पड़ी का जवाब हमेशा होता है उसके पुराने प्रोविजन में। जैसे मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन का 42nd अमेंडमेंट आप पढ़ रहे हैं या आप 44 अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं, तो अमेंडमेंट से जो चीज चेंज हुई है वो तो आपने देखा, लेकिन उसके पहले की पोजीशन थी क्या, वो पढ़ना बहुत जरूरी है। इससे हमें इंटेंट पता चलता है लेजिस्लेचर का कि ये बदलाव किया क्यों गया, इसके लिए जानना जरूरी है कि पहले क्या प्रावधान था। सो उस नजर से एक बात आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जो पुराने आपका जो एग्जिस्टिंग बेसिकली जो एग्जिस्टिंग लॉ है आईपीसी सीआरपीसी और एविडेंस, उसकी समझ आपके पास होनी चाहिए। और अगर वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा ही है, अगर बाय चांस आपने नहीं भी पढ़ा है तो इसी लाइव वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप उस पे जाके पूरे पूरी क्लासेस जो क्रैश कोर्स हमने किया था लगभग सभी सब्जेक्ट्स पे जो कॉमन है जुडिशरी के सिलेबस में, उनमें सीआरपीसी आईपीसी और एविडेंस भी थे, उनकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है, आप उस पे जाके एक बार उनको जरूर देख लीजिए, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा नए प्रोविजंस को अपने जहन में बिठाने के लिए। इसके बाद अगर अपन बात करें कि व्हाट इज द राइट अप्रोच टू रीड दीज और टू स्टडी दीज न्यू क्रिमिनल लॉज, बेसिकली मैं यहाँ पे उसी क्वेरी को एड्रेस करना चाह रहा हूँ कि क्या पुराने वालों का ऑल टुगेदर हम हटा दें, उससे उसको दिमाग में ना रखें और सीधे नए स्टैट्यूट्स पे फोकस करें, या फिर हमें कंपैरिजन भी जानना जरूरी है कि पिछले वाले में क्या था और नए वाले में क्या चेंजेस हुए हैं, कौन सा प्रोविजन कहाँ गया है या कुछ नए ऐड हुए हैं, तो वो भी करना है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि भाई राइट अप्रोच एक कंपैरेटिव स्टडी ही, आपको कंपैरेटिव स्टडी करनी पड़ेगी कि एग्जिस्टिंग आईपीसी में कोई प्रोविजन है तो वो बदल के अब क्या कर दिया जा रहा है न्याय संहिता में, ये कंपैरिजन आपको दोनों लॉज का करना है, दैट इज द राइट अप्रोच। और ये मैं सिर्फ समझ के लिए नहीं कह रहा हूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जिसमें आप सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखिए अभी जो रिसेंट एग्जाम्स होंगे और उनमें उनके सिलेबस में नए लॉज होंगे, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि अभी जो चीज जस्ट आई है इम्प्लीमेंट भी नहीं हुई है जुलाई में होगी उसके प्रोविजन आपको याद हो जाए सेक्शन, ठीक है, बट जो कुछ मेजर चीजें होती हैं मेजर ऑफेंसेस हैं उनके जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बाकी नहीं। लेकिन आपकी समझ जरूर टेस्ट होगी और पिछले वाले से कंपैरिजन जरूर टेस्ट होगा, इसीलिए आपको इस कंपैरेटिव स्टडी की जरूरत है, इसीलिए सही अप्रोच वही है। और रिसेंटली अगर आप देखें केरला जुडिशरी की जो वैकेंसी आई थी उसका जो सिलेबस नोटिफाई हुआ था, पहले उसमें आईपीसी एविडेंस और सीआरपीसी मेंशन था, लेकिन उसके बाद एक फर्दर एक एड ऑन नोटिफिकेशन आया और उसमें यह मेंशन कर दिया गया कि पिछले वाले सिलेबस में जो आईपीसी लिखा था एविडेंस लिखा था और सीआरपीसी लिखा था, अब वो आईपीसी एविडेंस और सीआरपीसी के साथ नए वाले तीनों लॉज भी उसमें कवर होंगे, उसको पढ़ा जाए आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता एंड लाइकवाइज, मतलब दोनों, ऐसा नहीं किया कि नए पिछले आईपीसी को हटा के नया वाला सिलेबस में डाल दिया, ऐसा नहीं है, दोनों है सिलेबस, तो दोनों है का मतलब कि जो क्वेश्चंस और सारी चीजें होंगी दैट इज गोइंग टू बी अ कंपैरेटिव स्टडी, उसी तरीके के सवाल आप एक्सपेक्ट करिए इन नए लॉज और पुराने लॉज से, इसीलिए अप्रोच भी आपका वो कंपैरेटिव ही होना चाहिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर योर एग्जाम पर्पजेस एज वेल। दोनों तरीके से अप्रोच हमें वही रखना है कि दोनों लॉज को हम कवर करते हुए चलें। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की, जिसके लिए आज आप सब ये सेशन देख रहे हैं कि कब कैसे कहाँ ये हो पाएंगे। सो वी आर हेयर टू हेल्प यू विद दीज न्यू लॉज। सो एलेक कैसे आपकी हेल्प करेगा इन नए कानूनों को पढ़ने में? देखिए प्रीवियस वाले तो आपने पढ़े ही हैं, आई होप आप सबने वो पढ़े हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो प्लेलिस्ट है इंडियन एविडेंस एक्ट, दो इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्रैश कोर्स, क्योंकि बाकी जो डिटेल होता है दिस इज बाय वे ऑफ अ फाउंडेशन बैच, जिसमें काफी लंबी ज्यादा क्लासेस होती हैं 40-40 क्लासेस होती हैं, बट उस क्रैश कोर्स में भी प्रयास हमारा यही था कि आपको समझ दे दी जाए उस स्टैट्यूट की बहुत प्रॉपर, तो वो मेरे ख्याल आप तक पहुंचा है, आप बताइएगा कमेंट में वो हुआ है या नहीं। तो उन लॉज की समझ देने की कोशिश उन वीडियोस के थ्रू की गई है, नॉट जस्ट की सेक्शन इंपॉर्टेंट है वो, उस हमने कॉन्सेप्चुअल पे भी बात की है, थोड़े कॉन्सेप्ट भी उसमें समझे हैं। नए वाले के लिए हम क्या करने वाले हैं, तो भाई बिल्कुल उसी लाइंस पे
नए वाले का भी YouTube पे ही सेशंस लेने वाले, ठीक है। कमिंग वीक से मैं ये सेशन स्टार्ट करूंगा, तीनों लॉज आपको मैं ही पढ़ाऊंगा, नए वाले मतलब वो कंपैरेटिव स्टडी। सो कंप्लीट कंपैरेटिव स्टडी करेंगे अपन YouTube चैनल पे ही, वो वीडियोस आप लाइव भी अटेंड कर पाएंगे और वो ग्रेजुअली भी रहेंगे यहाँ, जैसे अभी भी वो क्रैश कोर्स है पुराने वाले सारे प्लेलिस्ट में, ये सेम आपको यहाँ भी मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल शिखा, क्रैश कोर्स तरह ही अपन बेटा इसको भी पढ़ेंगे। बस एक चीज यहां समझना कि इस कंपैरेटिव स्टडी में हम क्या क्या कवर करेंगे। मैं रिपीटेटिव नहीं करना चाहता हूं इन सेशंस को भी, इसीलिए जरूरी है कि आप आईपीसी की जो पूरी प्लेलिस्ट है, सीआरपीसी एविडेंस है, उसको निपटा लीजिए और इसको फिर आप फॉलो करिए नए वालों को, क्योंकि इसमें हम बेसिकली करने वाले हैं कंपैरेटिव स्टडी। उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को मैं दोबारा बताने से बचना चाह रहा हूं ताकि वो रिपीटेशन ना हो, ठीक है। अब देखिए क्या क्या हम इसमें कवर करेंगे, ये जो सेशंस लेंगे इनमें क्या कवर करेंगे। सबसे पहला है कंपैरेटिव एनालिसिस होगा। ये कंपैरेटिव एनालिसिस क्या होगा भाई, प्रोविजन पहले क्या था अब क्या हो गया है। हम सेंटर किसको रखेंगे, नए वाले एक्ट, हमारा जो सेंटर पॉइंट होगा वो नया एक्ट होगा। नए एक्ट के एक एक प्रोविजन वाइज अपन देखेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन वन एक एक करके अपन देखेंगे उसमें क्या प्रावधान है, और ये चीज प्रीवियस वाले जो ओल्ड लॉ है उसमें वो सेम बात किस सेक्शन के तहत कही गई है। और अगर बाय चांस कुछ तो मतलब मेजोरिटी तो सेम है, सेक्शन नंबर बस जैसा मैंने कहा स्ट्रक्चरिंग ऊपर नीचे हुई है, कॉन्सेप्ट मेजोरिटी में सेम है, बट कुछ जगह चेंजेस भी हैं। एक प्रावधान जो आईपीसी का था अब वो चीज वही है, ऑफेंस वही है, लेकिन कुछ चीजें उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। सो जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से या जनरल अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो चेंजेस इंपॉर्टेंट हैं, जैसे अगर आपने उन क्रैश कोर्स को भी देखा है तो जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है, देखो पूरा तो कोई भी नहीं पढ़ता, 511 सेक्शन तो आपने आईपीसी के भी नहीं पढ़े है ना, जो रेलेवेंट है जो इंपॉर्टेंट है ज्यादा उनको अपन कवर करते हैं। उसी नजर से इसको भी पढ़ेंगे कि इसमें से भी वो प्रोविजंस अपन लेंगे और जहां चेंज हुए हैं। एक तो मैं आपको सबसे पहले कंपैरेटिव स्टडी में तो सिर्फ ये बताऊंगा कि भाई ये प्रोविजन अब नया वाला जो है ये प्रोविजन है, मान लीजिए सेक्शन टू है, ये है, ये सेक्शन पहले कहाँ था पिछले लॉ में, उस एक कंपैरिजन को देखेंगे चार्ट के माध्यम से अपन, है ना, पूरी कंपैरेटिव एक एनालिसिस करेंगे कि पहले जो नया अभी जो प्रोविजन है वो पहले कहाँ एग्जिस्ट कर रहा था, कौन से चैप्टर के अंदर था, वो एक एनालिसिस करेंगे। इसके साथ हम करेंगे नए प्रोविजंस का एक्सप्लेनेशन भी, जैसे उन क्रैश कोर्स में आपने क्लासेस देखी होंगी तो कॉन्सेप्ट को समझाया है। अब जैसे मान लीजिए आईपीसी में कॉमन इंटेंशन था सेक्शन 34, उसको अपन ये देखेंगे कि नए वाले एक्ट में वो किधर आ गया है, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है, आप देखेंगे उसकी डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं है, सेम है, मेजोरिटी ऑफ प्रोविजन में यही है कि डेफिनेशन सेम है, बदलाव नहीं है। उनको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा मैं, क्योंकि वो पिछले सेशंस में ही कॉन्सेप्ट को भी अपन ने समझा है, तो उनको रिपीट नहीं करेंगे, उनकी सिर्फ एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। यहाँ एक्सप्लेनेशन किन चीजों का होगा इन सेशन में, जो नए प्रोविजन ऐड हुए हैं, कुछ नए प्रावधान भी आए हैं, उन पे अपने को समझ जरूरी है, उन पे उनके कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, तो वो बातें हम इन सेशंस में साथ में ही करते जाएंगे उसी सीक्वेंस में, ताकि आपके जहन में वो सीक्वेंस भी बैठता जाए नए वाले एक्ट्स का। इसके साथ हम उन प्रोविजंस के एक्सप्लेनेशन पे भी थोड़ा ध्यान देंगे जो रिपील हो गए हैं, कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो प्रीवियस वाले एक्ट में थी नए वाले में है ही नहीं, हटा दी गई, तो उस पे भी थोड़ा सा अपन एक निगाह डालेंगे कि ये प्रोविजन क्या था और क्यों हटाया, थोड़ा सा उस चीज के बारे में भी अपन बात करेंगे। और इसी तरीके का कंपैरेटिव स्टडी एक्सपेक्टेड है, एक कंपैरेटिव अप्रोच एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम्स में भी, और जैसा मैंने कहा एक बेहतर समझ के लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रीवियस प्रोविजंस क्या थे, अगर कुछ नया लाया गया है तो वो क्या है, और जो हटाया गया है वो क्या था वो जानना भी जरूरी है, क्योंकि उसे क्यों हटाया इसका जवाब उस प्रोविजन में ही होता है, तो उसको भी हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। अब देखिए ये सेशंस कब होंगे, तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 8th अप्रैल, दैट इज मंडे शाम को 7:30 बजे, इसी समय में आपको इसी चैनल पे मिलूंगा। वी विल बी स्टार्टिंग विथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस को रिप्लेस करते हुए जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम आ रहा है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, है ना, एविडेंस से हम स्टार्ट करेंगे इसको। एविडेंस पर्पसफुली मैंने पहले रखा है क्योंकि छोटा एक्ट है, तो थोड़ा सा आप मेंटली प्रिपेयर हो पाएंगे उस चीज के लिए कि कैसे ये कंपैरेटिव स्टडी करनी है,
बाकी में प्रोविजन ज्यादा है सीआरपीसी और आईपीसी में, आप जानते हैं। और चेंजेस पे भी अगर आप नजर डालेंगे तो एविडेंस में कंपैरेटिवली कम है। तो उसको एक बार थोड़ा सा अपन डाइजेस्ट कर लेंगे तो फिर दूसरे लॉज की तरफ, आईपीसी या सीआरपीसी की तरफ हम मूव करेंगे। सो टू स्टार्ट विथ वी विल बी स्टार्टिंग विथ एविडेंस, और जैसा मैंने आपको बताया ये इसी चैनल पे लाइव सेशन होगा 7:30 बजे मंडे। ठीक, अब देखिए कि इसके लिए क्या जरूरी है, क्या आपको रखना है। तो मेरा एक सजेशन है, पुराना और नया दोनों वेयरेंट आप अपने साथ रखें इन सेशंस को अटेंड करते समय। मैं कोशिश करूंगा जितनी मुझे वो कंपैरेटिव स्टडी आपके साथ डिस्कस करनी है वो बोर्ड पे शो करूं, बट हार्ड कॉपी में आपके पास अपना, जैसे उन क्रैश कोर्स को आपने अटेंड किया है तो उसमें मैंने बेरेट बोर्ड पे नहीं चलाया, आपके पास अपनी हार्ड कॉपी होती है उसी में आप मार्क करते हैं, लिखते हैं, तो थोड़ा सा बेटर मुझे लगता है आप उस चीज को रिटेन कर पाते हैं। उसी तरह से आपसे अब ये रिक्वेस्ट है कि इन सेशन में कोशिश करिएगा कि नया और पुराना दोनों बेरेट हो, नहीं भी हो तो जो कंपैरिजन के सारे चार्ट्स होंगे, सारी चीजें वो मैं यहाँ भी आपको डिस्प्ले करूंगा, बट वो मेमोरी थोड़ी कम होती है, इसलिए मेरा एडवाइस है कि हार्ड कॉपी में आप सामने, और नए वाले आप जितने भी बेरेक्स लेंगे ना, नए क्रिमिनल लॉज के किसी भी पब्लिकेशन का आप लेंगे उसमें कंपैरेटिव स्टडी के चार्ट्स ऑलरेडी हैं, उसी पे बेसिकली एक डिस्कशन होगा, उसको समझेंगे हम। और उसके अलावा जो नई चीजें हैं जहां कोई बदलाव किए गए हैं सेक्शन में भी लैंग्वेज में भी, उनको हम एक्सप्रेसली देखेंगे और उनपे थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ताकि इस माध्यम से मेरे ख्याल से आपके जहन में वो चीजें बैठ जाएंगी, थोड़ा सा आपके लिए इजी टू डाइजेस्ट हो जाएंगी और याद हो जाएंगी। सो इस तरीके से अपन करने वाले हैं, इसीलिए दोनों बेरेट्स रखिए और हाईलाइटर रखिए अपने साथ, कि नए वाले में ही आप मार्क करते जाइएगा कि क्या कहाँ है, वहीं आप चाहें तो पेंसिल से लिख सकते हैं कि पुराना सेक्शन कौन सा था उससे रेलेवेंट। जो सेंटर होगा हमारा पढ़ने का वो नया वाला बेरेट होगा, ठीक, उससे अपन कंपेयर करते चलेंगे कि पहले आईपीसी में क्या था, या एविडेंस की अगर अपन बात करेंगे तो नया वाला रखेंगे और प्रीवियस वाले इंडियन एविडेंस एक्ट से अपन चेक करते हुए चलेंगे कि ये प्रावधान पिछले में कहाँ था और कैसा था, क्योंकि आपको अब जो जहन में बिठाना है वो नए वाले की स्ट्रक्चरिंग बिठाना है बेसिकली, क्योंकि चैप्टर्स क्या रीअरेंजमेंट हुआ है, सेक्शन इधर उधर हुए हैं। सो फॉलो हम नए वाले को करेंगे इन कंपेरिजन विथ प्रीवियस वन, दैट विल बी द अप्रोच विथ विच विल बी स्टार्टिंग सेशंस। ठीक, केस लॉज को लेके राम जी का एक डाउट है, केस लॉज कैसे सर पुराने वाले? देखो बेटा, केस लॉज तो हमेशा पुराने ही होते हैं, एक बात को आप यहां समझिए मेरी, कोई भी स्टैट्यूट आप पढ़ते हैं, कोई भी लॉ आप पढ़ते हैं, उसमें प्रेसिडेंट ही इंपॉर्टेंट होता है। आप एक बात समझिए, जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं उसमें तो कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन आप कॉमन लॉ के केसेस क्यों पढ़ते हैं उसमें? आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ते हैं उसमें आप कॉमन लॉ के केसेस क्यों पढ़ते हैं आज भी, जबकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट तो हमारे कोडिफाइड लॉज हैं, है ना, वहां तो कोडिफाइड नहीं थे, लेकिन उसके ही प्रेसिडेंट यहाँ फॉलो हो रहे हैं। तो बेटा जो लॉजिक है वो नहीं बदलता कभी, है ना, लॉजिक कभी नहीं बदलता, और केसेस तो वही रहेंगे भाई, केसेस तो वही रहने वाले, उनमें बहुत बदलाव नहीं होगा। अब जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आपको कॉमन इंटेंशन अगर समझना है, अब भाई बरेंद्र कुमार घोष में जो चीजें बताई गई हैं वो इसमें भी रेलेवेंट होंगी, वो बदलेगा नहीं, और नए वाले के केस लॉ अभी तो आएंगे नहीं, आएंगे ग्रेजुअली, धीरे धीरे जब इम्प्लीमेंट होगा उसके बाद वो चीजें आएंगी, तो केस लॉज आपके लिए रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है जो पुराने हैं, कॉन्सेप्ट आपके लिए वही इंपॉर्टेंट है जो पहले के हैं, जो हम पढ़ और समझ चुके हैं, उसमें एड ऑन हमको सिर्फ अभी फिलहाल ये करना है कि जो नए प्रोविजन है जो पहले वाले में थे ही नहीं, ऑल टुगेदर नई चीज जो ऐड हुई है उसको हमें थोड़ा सा देखना है, उसको समझना है, उसके मीनिंग को अंडरस्टैंडिंग उसकी देनी है, तो वो हम बिल्कुल करेंगे इन सेशंस में, लेकिन पुराने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको यहाँ पे भी रिपीट किया गया है, रखा गया है, उनपे डिस्कशंस अपन दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि प्रीवियस सेशंस में कॉन्सेप्चुअली उनको हमने समझा है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ कंपैरेटिव स्टडी बेसिकली। एक कनेक्ट अपन बिल्कुल करेंगे, सारे पुराने नए दोनों कनेक्ट करेंगे। सो भाई जो भी और आपके साथी हैं उन सबको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, और सबको ये बता दीजिए कि मंडे 7:30 बजे आ जाएं, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बेनिफिट एवरीवन फॉर दैट मैटर, है ना। तो वो हमें पढ़ना ही है, वो कंपैरेटिव स्टडी हम यहीं कर लेंगे, और जैसा मैंने आपको क्रैश कोर्स पढ़ाते समय श्योर किया था कि अगर आप इन लेक्चर्स को प्रॉपरली फॉलो कर लेंगे जैसा मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से, तो बहुत हद तक आपकी समझ मजबूत हो जाएगी इन लॉज पे। सेम मैं आपसे अभी कह रहा हूँ कि अगर आपने इन सेशंस को प्रॉपरली अटेंड किया
और जो चीजें मैं आपसे कह रहा हूँ बेरेक रख के और फॉलो अप करते हैं, तो मेरी समझ में आप बहुत ठीक ठाक सी अंडरस्टैंडिंग, जो कंफ्यूजन है वो दूर होके एक अच्छी समझ आपकी इस कंपैरेटिव एनालिसिस पे भी बन जाएगी। अगर आप इसको फॉलो करेंगे दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू टू डिफरेंशिएट, और अगर पहले वाले पढ़ रखे हैं तब तो बहुत ही बढ़िया है ना, तब तो आपके लिए ज्यादा समस्या है ही नहीं। चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मेरे ख्याल आप ये समझ गए हैं कि पुराने नए दोनों के कंपैरिजन को करना जरूरी है, और वो करने वाले हैं अगले सेशंस में। तो चलिए मिलेंगे मंडे को 7:30 बजे।